किसान भाइयों नमस्कार कृषि समाचारों में आप सभी का स्वागत है किसान भाइयों आइए पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर कृषि को गोपालन से जोड़ने की जरूरत खर्च न कर पाने वाले राज्यों का कटेगा कृषि बजट भूखे पेट रहकर परिंदों के लिए खेती उद्यमिता आधारित होगा कृषि शिक्षा का पाठ्यक्रम जैविक विधि से एक एकड़ में एक हजार कुंतल गन्ने का उत्पादन और अब समाचार विस्तार से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री ने कहा है कि गोपालन और कृषि एक साथ करने से ही किसानों का जीवन संवरेगा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में एक कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा गोपालन से किसानों के खेती की लागत में कमी आएगी, जमीन में कीटनाशकों का प्रभाव भी कम होगा छोटे किसानों को खेती करने में आसानी होगी और उर्वरकों का बोझ भी कम होगा देसी नस्ल की गायों को पालकर किसान अपनी स्थिति सुधार सकेंगे उन्होंने कहा कि छोटे किसानों को ध्यान में रखकर सरकार ने बैल आधारित यंत्रों के निर्माण और शोध की ओर ध्यान केंद्रित किया है अगर बैल से चलने वाले बिजली यंत्र सिंचाई के लिए जमीन से पानी निकालने वाले यंत्र आदि का निर्माण हो जाए तो गांव में खुशियां आ जाएंगी अब कृषि बजट को न खर्च करना प्रदेश सरकारों को महंगा पड़ने वाला है क्योंकि बजट खर्च न होने की स्थिति में उनके लिए आवंटित बजट को उन राज्यों को दे दिया जाएगा जिनके यहां समय से बजट खर्च होगा ऐसा करने के पीछे किसान हितों की अनदेखी को रोकना है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री संजीव बालियान ने यह जानकारी पत्रकारों को देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश समेत अनेक राज्यों में यह देखने को मिला है कि कृषि मद में आवंटित बजट को खर्च नहीं किया जा सका है इससे किसान प्रभावित हुए हैं कृषि को भी पर्याप्त गति नहीं मिल सकी है इससे किसानों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए चलाई जा रही योजनाएं परवान नहीं चढ़ रही हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में भूमि शोधन से जुड़ी रिपोर्ट लगातार आ रही है लेकिन कई स्थानों पर दौरे करने के बाद जो स्थिति सामने आ रही है वह चिंताजनक है स्टाफ की कमी है और जरूरी केमिकल्स भी नहीं है ऐसे में रिपोर्ट संदिग्ध लग रही है अशोक सोनुले महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले से करीब पन्द्रह किलोमीटर दूर गडमुदिंगी गांव के किसान हैं। उनके दो बेटे प्रकाश और बिलास समेत पूरा परिवार दूसरे के खेत में मजदूरी करता है इससे होने वाली आमदनी से उनके 12 सदस्यीय परिवार का पेट भरता है हालात यह है कि इस परिवार को मुश्किल से दो जून की रोटी मैसर हो पाती है मौसम की मार से इस समय कोल्हापुर जिला स्थित उनके गांव के आसपास के इलाके सूखे की चपेट में आ गए हैं यहां के किसानों के खेत खाली पड़े हैं लेकिन अशोक का खेत ज्वार की फसल से लहलाहा रहा है पर इस फसल को उन्होंने पैसे कमाने के लिए नहीं बोया है बोया है परिंदों के लिए खाने के लाले और आसपास के सूखे की कहर के बाद भी उन्होंने अपने खेत के बाजरों की रक्षा करने के लिए न कोई पुतला लगाया है और न ही पहरेदारी की है बल्कि जब फसल लग गई तो उसे परिंदों को चुगने के लिए खेतों में ही छोड़ दिया है यार दोस्तों और संबंधियों ने समझाया पर उनका कहना था कि अपने लिए सब जीते हैं दूसरे के लिए कौन आगे आएगा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री ने कहा है कि कृषि शिक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाएगा। अब कृषि की पढ़ाई के साथ छात्रों को उद्यमिता से जुड़े विषय भी पढ़ाए जाएंगे उन्होंने कहा आज विश्वविद्यालयों में कृषि की सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है जिसे पढ़कर छात्र आगे प्रायोगिक या प्राकृतिक खेती करने में सक्षम नहीं है इसलिए हमें पूरी कृषि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करने की जरूरत है देसी गाय की महत्ता को समझना होगा तथा सरकार इसकी संख्या बढ़ाने में प्रयासरत है उम्मीद है कि अगले दस वर्षो में प्रत्येक गांव में देसी गाय की उपलब्धता होगी तथा संकर किस्मों की गाय कम होंगी लेकिन हमें देसी गाय की वर्तमान उत्पादकता चार पाँच किलो दूध से बढ़ाकर दस पन्द्रह किलो प्रतिदिन दूध देने वाली गाय करनी होगी जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सके बैल चालित खेती के यंत्र विकसित करने चाहिए तथा किसान भी बैल की संख्या अपने गांव में बढ़ाएं जिससे खेती के ज्यादातर कार्य के लिए ट्रैक्टर पर निर्भर होना न पड़े उन्होंने बताया कि आज केंद्र सरकार सालाना सत्तर हजार करोड़ रुपए यूरिया पर सब्सिडी देती है इस सब्सिडी को बंद कर सीधा किसानों को पांच हजार रूपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिया जाएगा तो किसान कार्बनिक खादों का प्रयोग अपने खेतों में कर सकता है इस अवसर पर सरकारी योजना की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार प्रत्येक राज्यों को दस हजार समूह प्रतिवर्ष बनाने का लक्ष्य देगा तथा एक समूह में पचास हेक्टेयर भूमि होगी तथा प्रति हेक्टेयर बीस की मदद कार्बनिक खेती के लिए दी जाएगी ऐसा करने से पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होगा खेती की लागत भी कम होगी किसानों को भी ट्रैक्टर जैसे आधुनिक यंत्र की महंगाई से बचाया जा सकेगा वे खुद की मेहनत से कम लागत में ही अच्छा उत्पादन ले सकेंगे किसान भाइयों जहां युवा वर्ग खेती से दूर भाग रहा है वहीं जनपद बलरामपुर के एक युवा किसान ने एक एकड़ खेत में गन्ने की जैविक विधि से खेती करके 1000 हजार क्विंटल गन्ना तथा तो 25 क्विंटल गेहूं का उत्पादन कर साबित कर दिया है कि जैविक विधि से भी भरपूर कृषि उपज प्राप्त की जा सकती है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में आयोजित दो दिवसीय गोष्ठी का समापन करते हुए उन्होंने कहा आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से ग्रसित है ऐसी दशा में प्राकृतिक विधि से खेती करके जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम से बचा जा सकता है उन्होंने आईआईटी तथा आईसीएआर संस्थानों से कहा कि मिलकर इस दिशा में काम करें जिससे हमारी प्राचीन पद्धति वाली खेती तथा गौवंश का विकास देश में तेजी से हो किसान भाइयों आइए अब एक नजर डालते हैं कृषि उत्पादों के मंडी भाव पर प्रदेश के विभिन्न मंडियों में गेहूं का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा लखनऊ में एक हजार मेरठ में एक हजार आगरा में एक हजार और गोरखपुर में एक हजार प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा प्रदेश के विभिन्न मंडियों में चावल का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा लखनऊ में दो हजार मेरठ में दो हजार आगरा में दो हजार गोरखपुर में दो हजार प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा प्रदेश की विभिन्न मंडियों में चना का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा लखनऊ में पांच हजार छह सौ रूपये मेरठ में पांच हजार चार सौ साठ रूपये आगरा में पांच हजार तीन सौ अस्सी रूपये और गोरखपुर में पांच हजार तीन सौ पैंसठ रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा प्रदेश की विभिन्न मंडियों में अरहर का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा लखनऊ में आठ हजार पचहत्तर रूपये मेरठ में ग्यारह हजार चार सौ सत्तर रूपये आगरा में आठ हजार पचहत्तर रूपये गोरखपुर में आठ हजार रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा प्रदेश की विभिन्न मंडियों में गुड़ का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा लखनऊ में दो हजार आठ सौ रूपये मेरठ में दो हजार दो सौ पचास रूपये आगरा में दो हजार आठ सौ रूपये और गोरखपुर में दो हजार छह सौ पचास रूपये के भाव से रहा और अब सब्जियों के भाव प्रदेश की विभिन्न मंडियों में टमाटर का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा लखनऊ में दो हजार रूपये मेरठ में एक हजार तीन सौ अस्सी रूपये आगरा में दो हजार एक सौ चालीस रूपये गोरखपुर में एक हजार छह सौ पचास रूपये प्रदेश की विभिन्न मंडियों में प्याज का भाव प्रति क्विंटल लखनऊ में एक हजार छह सौ रूपये मेरठ में एक हजार चार सौ तीस रूपये गोरखपुर में एक हजार आठ सौ पचास रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा प्रदेश की विभिन्न मंडियों में बैंगन का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा लखनऊ में छह सौ रूपये प्रति क्विंटल मेरठ में चार सौ पचास रूपये प्रति क्विंटल आगरा में एक हजार एक सौ पचास रूपये और गोरखपुर में एक हजार एक सौ पचास रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा प्रदेश में विभिन्न मंडियों में आलू का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा लखनऊ में छह सौ पचहत्तर रूपये मेरठ में छह सौ रूपये आगरा में सात सौ चालीस सा रूपये प्रति क्विंटल और गोरखपुर में सात सौ चालीस सा रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा प्रदेश की विभिन्न मंडियों में लहसुन का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा लखनऊ में आठ हजार छह सौ रुपये मेरठ में छह सत्तर आगरा में छह हजार अस्सी और गोरखपुर में सात हजार पांच सौ पचास प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा प्रदेश की विभिन्न मंडियों में केले का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा लखनऊ में एक हजार आठ सौ प्रति क्विंटल मेरठ में एक हजार अस्सी प्रति क्विंटल आगरा में एक हजार प्रति क्विंटल गोरखपुर में एक हजार प्रति क्विंटल प्रदेश की विभिन्न मंडियों में सेब का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा लखनऊ में एक हजार पांच सौ रूपये प्रति क्विंटल मेरठ में चार हजार एक सौ तीस रूपये आगरा में चार हजार एक सौ नब्बे रूपये और गोरखपुर में पांच हजार तीन सौ रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा तो किसान भाइयों ये थे आज के कृषि समाचार कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे तब तक के लिए नमस्कार तो, और बताओ बस अरे ये क्या भैया जी बस इतनी सी रासायनिक खाद किसानी छोड़ रहे हो क्या किसानी नहीं नादानी छोड़ रहे हैं मिट्टी की जांच कराई है अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नज़दीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें और हाँ मिट्टी में गंधक जस्ता बोरून जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें अरे वाह तू तो सचमुच समझदार हो गया रे अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है मैंने भी अपने खेत की तैयारी बुआई जुताई गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी है लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी किसान भाइयों और बहनों आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं। अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया मैंने सोच लिया है मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा नई <laughs> मशीनें, नए, मशीने, नए उपकरण आए आपके द्वार ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार जी 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 किस से बात कर रहे थे इतना हंस हस्कर किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था सुबह भी रात को भी किसान कॉल सेंटर सुबह छह बजे से रात को दस बजे तक खुलता है रविवार को भी साल के तीन सौ पैंसठ दिन खुलता है पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो मैं तो कुछ और ही समझी थी कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर एक आठ शून्य शून्य एक आठ शून्य एक पाँच पाँच एक आरोप सम्पर्क कर यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए छह उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है एफ के गोरखपुर सिंदरी, तलचर और रामागुंडम एच एफ की बरौनी इकाई और बीवी एफ की नामरू फोर्थ सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा अनाज का उत्पादन 10 फीसदी तक बढ़ेगा बढ़ेगी 10 से 15 फीसदी नाइट्रोजन क्षमता हमारे सभी दर्शक किसान भाइयों को नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में किसान भाइयों कृषि में फसलों उत्पादन के साथ ही पशुपालन भी अभिन्न है हमारी कृषि का क्योंकि हमारे पोषण से लेकर हमारे कृषि हमारे फसलों के और खेतों के पोषण का भी कार्य हमारे पशु कहीं ना कहीं करते हैं और अगर अपने पशुओं के पोषण का हम बेहतर प्रबंधन करते हैं तो हमको अच्छा उत्पादन भी प्राप्त होता है आज हम बात करेंगे हमारे अधिक दूध उत्पादन देने के लिए अच्छा दूध उत्पादन हो हमारे किसान भाइयों का कैसे संतुलित आहार की व्यवस्था करें किसान भाई और इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञ हैं सह प्राध्यापक पशुपालन विभाग चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय से डॉक्टर रामजी गुप्ता जी आपका स्वागत है डॉक्टर साहब सभी दर्शक किसान भाइयों की तरफ से डॉक्टर साहब हमारे किसान भाई चारे की व्यवस्था करते हैं हरा चारा उत्पादन करते हैं भूसे का भी इंतजाम करते हैं सूखा आहार लेकिन संतुलित आहार जो शब्द है क्या इसका आशय है अच्छे दुग्ध उत्पादन से हम जानना चाहेंगे बताएं देखिए कोई भी जब हम कार्य करते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी हमारी अपनी जरूरतें होती हैं तो जो हम कार्य कर रहे हैं उसके लिए हमें ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा के लिए जरूरी है कि हमें हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा खनिज तत्व और कुछ विटामिन ये सारे चाहिए तो इनकी जो जरूरत होती है तो इन जरूरतों को जब हम संतुलित मात्रा में देते हैं जानवर को तो जो आहार इस चीज को शामिल कर लेता है उसे हम कहते हैं संतुलित आहार जी तो डॉक्टर साहब जो संतुलित आहार की बात करते हैं हमारे पशुओं का उत्पादन है क्या इस पर इसका असर पड़ता है बिल्कुल अगर देखिए कोई भी हो अगर आपको हम एक ही चीज केवल खिलाते हैं मसलन अगर हम इस तरह बात करने की कि किसी को हम केवल रोटी खाने को दे दें तो जाहिर सी बात है उसकी मात्रा पूरी नहीं हो सकती संतुलित मात्रा हम चाहिए लेकिन एक भोजन जब कंप्लीट होता है जिसमें हम हरा चारा भी दे जानवर को अपने सूखा चारा भी दें और दाना भी दें दे ती सारी चीजें मिलाकर के देते हैं और जानवर की जितनी जरूरत होती है उसके मुताबिक देते हैं तो ये दुग्ध उत्पादन अपने आप बढ़ा देगा जी बिल्कुल डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहेंगे हमारे जो भारतीय किसान है और हम अपने प्रदेश की बात करें ज्यादातर किसान भाइयों के पास देसी गाय है जी और शंकर गाय भी रखे हैं कुछ किसान भाई और कुछ किसान भाई विदेशी गाय भी रखे हुए हैं तो इनका चारा निर्धारण और आहार का निर्धारण कैसे करेंगे देखिए जब हम बात करते हैं संतुलित आहार में तो संतुलित आहार के तीन अंग आते हैं एक होता है हमारा सूखा चारा दूसरा होता है हरा चारा और तीसरा होता है दाना यह जिसको किसान भाई अपने भाषा में कहते हैं रातब तो अगर हम सूखे चारे की बात करते हैं तो चूंकि जो हमारा जानवर होता है जो उसका पेट होता है इसका कैपेसिटी लगभग 200 से 250 लीटर होती है इसको भरने की जरूरत पड़ती है तो इसको भरने के लिए हम सूखा चारा देते हैं हालांकि सूखा चारा कोई उनको पौष्टिक तत्व इस तरह नहीं देता है उसके बाद जब बात करते हरे चारे की तो हरे चारे में हमारे पास इसमें चूंकि जाड़े का मौसम चल रहा है तो बहुत अच्छे हरे चारे रहते हैं जिनमें एक बरसीम साथ सब किसान लगभग बोल लेते हैं जो भी हमारा जागरूक किसान है जी। इसके साथ साथ जो बरसीम हम खिलाते हैं तो बरसीम के साथ में एक और चीज अगर समावेश कर ले किसान भाई एक नया चल रहा है जई जो चिकना सा होता है जी। अगर उसको हम बो देते हैं और जई और बरसीम के मिक्सचर को देते हैं जितना हम जई दे रहे हैं उतना बरसीम मिलाकर के और जानवर को जब हम देते हैं तो दूध उत्पादन अपने आप बढ़ेगा अच्छा अच्छा और इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो हमारा जानवर है तो जानवर चूंकि जो हमारे गाय भैंस हैं इनके चार पेट होते हैं हम लोगों का एक सिंगल पेट है इस तरह जानवरों में चार पेट होता है और इनका जो र्यूमन वाला पोर्शन है इसमें सूक्ष्म जीव होते हैं तो जो जानवर ज्यादा से ज्यादा सूखा चारा लेता है तो सूखा चारा इनका पचता नहीं है बल्कि किड़वित होता है ये सूर्य जीवों की मदद से तो जो बरसीम हमारा है तो ये प्रोटीन रिच होता है तो प्रोटीन का काम होता है सूर्य जीवों की मात्रा को बढ़ाना संख्या बढ़ा देता संख्या है और जो कार्ब, जो ओट है या जई है ये कार्बोहाइड्रेट रिच होता है तो कार्बोहाइड्रेट का काम है ऊर्जा देना तो ये क्या करते हैं कि जो हमारे सूजी उनको ऊर्जा प्रदान करता है तो बेहतर ढंग से काम करते हैं तो जितना बेहतर ढंग से ये काम करेंगे उतनी पाचकता बढ़ जाएगी जब पाचकता बढ़ेगी तो निश्चित रूप से उनको पोषक तत्व भी ज्यादा मिलेंगे जी बिल्कुल डॉक्टर साहब इस समय तो शीत ऋतु की बात करें तो किसान भाई बरसीम और जई की व्यवस्था कर सकते हैं जी, 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 लेकिन पूरे वर्ष अगर संतुलित आहार की बात करें तो कौन कौन से हरे चारे उपयोग कर सकते हैं अब हरे चारे में तो आपका ये जाड़ा चल ही रहा है इसके बाद वो मक्का बोए जा सकते हैं हाँ। मक्का तो इस समय पूरे साल भरा रहा है रबी मक्का जायद मक्का खरीफ मक्का का इसके अतिरिक्त जो हमारे नेपियर है इसको लगा सकते हैं हरे चारे के रूप में और इसके सबसे बढ़िया चीज आती है जो हमारी जो चरी है जो बाजरा नेपियर है या जो पूसा चरी करके इसको भी बो करके हरे चारे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल तो डॉक्टर साहब सूखा और हरे चारे के बाद दाने की बात आती है रात जी हाँ तो कैसे निर्धारण कर देखिये होता क्या है कि जो हमारा हरा चारा है तो इतनी ज्यादा मात्रा में आप पोषक तो, तो नहीं दे पाता है जी क्योंकि पेड़ भी भरना होता है लेकिन जब वो ज्यादा जा से ज्यादा भरता है तो इसके लिए हम क्या है कि दाना देते हैं तो दाना जो होता है इसका काम सिर्फ इतना है कि सारे पोषक तत्व तो इसके जो है सांद्रित अवस्था में होते हैं अगर हम दाने की बात करें तो दाने में हम कई चीजों का समावेश कर लेते हैं जिससे जिसको भी संतुलित मात्रा में ले लेते हैं दाने में जो समावेश करने की बात हम करते हैं तो दाना बनाने के लिए अगर किसान भाई चाहे अपने घर पर बना सकते हैं इसमें हम अनाज लेते हैं कुछ छिलके लेते हैं जिनको चोकर हम कह सकते हैं खली लेते हैं और मिर मिक्सचर और खड़िया और नमक अगर इनकी मात्रा की हम बात करें तो जो अनाज है तो अनाज के रूप में चाहे वो गेहूं है मक्का है जौ है चना है अरार है जो भी इनमें से मिल जाए या इनमें से सारी चीजों का थोड़ा थोड़ा वो पार्ट ले लें और इसकी मात्रा इनको लगभग चालीस परसेंट या चालीस किलो रखनी है अच्छा इसके बाद हम बात करते हैं जो छिलका है, जैसे चोकर हमारा आता है क्योंकि जैसे आजकल देखिए चोकर आ, होता क्या है कि जो चोकर है वो हमारा फास्टफोर रिच होता है जिलके जितने भी छिलके होते हैं तो इससे क्या है कि जानवरों को फास्फोरस भी मिलता है साथ साथ उनके पेट में कब्ज भी नहीं होती है जी। इसकी मात्रा हम रखते हैं तीस किलोग्राम या तीस परसेंट चालीस किलोग्राम दाने है तीस किलोग्राम चालीस किलोग्राम अनाज तीस किलोग्राम छिलका या चोकर जी और इसके बाद सत्ताईस किलोग्राम हम लेते हैं खली अच्छा खली में हम चाहे जो हमारे पास आसानी से मिल जाए या सरसों की मिल जाए या मूंगफली की मिल जाए जो आसानी से मिल जाए और कम पैसे में मिले यहाँ पर किसान भाई इतना सावधानी बरतेंगे कि वो नीम और महुआ की खली का समावेश नहीं करेंगे अब इसकी मात्रा रखते हैं सत्ताईस किलोग्राम इसके बाद इस पूरे जो है जब ये पूरा इकट्ठा वो हम कर ले तो इसमें एक किलोग्राम खड़िया एक किलोग्राम नमक और एक किलोग्राम खनिज मिश्रण अच्छा। जो दवा की दुकानों पर मिल जाता है क्योंकि होता क्या है कि जो हमारे जमीनों में जो पोषक तत्व तो कमी होती जा रही जाहिर सी बात है पौधों में भी कमी आती है तो इसलिए जो है हम खनिज तत्वों का समावेश कर देते हैं और इन सारी चीजों को खूब अच्छी तरह मिला लें और मिलाने के बाद इसको हम जो है एक साफ सुथरी बोरी में भर लें और भर के हम कहीं सूखी जगह पर इसको इकट्ठा कर लें जी जब जानवर को खिलाना हो तो उतनी मात्रा हम निकालें और निकाल के जानवर को खिला दें और जब मात्रा की बात की जाए तो मात्रा में यह आता है कि जानवरों को जो हम दाना देते हैं उसकी दो जरूरतों के लिए दिया जाता है एक जीवन निर्वाह और दूसरा उत्पादन के लिए तो यदि हमारा जानवर कोई 400 किलोग्राम या 400 किलोग्राम से ज्यादा है तो जीवन निर्वाह के रूप में एक दिन में हम लगभग डेढ़ किलोग्राम दाना देना चाहिए जीवन निर्वाह के लिए डेढ़ किलो डेढ़ किलोग्राम और यदि चार किलोग्राम से कम है तो एक किलोग्राम देना देना चाहिए इसके बाद उत्पादन की हम बात करते हैं उत्पादन के रूप में यदि हमारी भैंस है और भैंस लगभग ढाई लीटर दूध दे रही है तो उसको एक किलोग्राम दाना देना है मतलब कुल मिलाकर के अगर दस लीटर दूध हमारा जानवर दे रहा है तो लगभग उसको हम साढ़े पांच किलोग्राम दाना एक दिन में देना चाहिए अच्छा अच्छा अब कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि कभी इससे कम देते हैं या कभी इससे ज्यादा दे देते हैं तो जब ज्यादा देते हैं तो दूध की लागत बढ़ जाती है जा। और कम देते हैं तो उत्पादन नहीं मिलता है जी जब इसके अतिरिक्त एक और किसान भाई दिक्कत करते हैं कि जो खिलाने के नाम पर आता है करते क्या है कि आजकल चूंकि जाड़ा चल रहा है तो वो हल्की सी पानी मिला करके सानी लगा देते हैं गर्मियों में क्या करते चबका मराते हैं चपका में क्या है कि वो नान में पानी भर दिया उसमें भूसा डाल दिए या जो हरा चारा है वो डाल दिया डाल करके उसमें दाना डाल दिया पूरा ऊपर नीचे मिला दिया होता क्या है कि जितना जानवर खा पाता खा पाता है इसके अतिरिक्त काफी ज्यादा इसमें दाना वेस्ट हो जाता है क्योंकि सुबह जब हम नान साफ करेंगे तो उसमें दाना खराबी हो जाएगी वो दाना किसी काम नहीं आएगा कहने मतलब है कि जैसे हमने पांच साढ़े पांच किलो दाना बताया किसान भाई को किसान भाई ने दाना दिया लेकिन जानवर के पेट में कितना पहुंचा जी ये सबसे जरूरी है तो इसके लिए करना ही रहता है किसान भाइयों कि जब भी आपको दाना खिलाना हो आप अपनी मात्रा निर्धारित कर लीजिए निर्धारित करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह बना के आपने रखा है रखने के बाद आप उसको बोरे से निकालिए और निकाल करके दाने को भिगो दीजिए गर्मियों में खिलाने से एक से दो घंटे पहले और जाड़ों में लगभग तीन से चार घंटे पहले आप भिगो दीजिए और भिगोने के बाद इसको बिना सानी में मिलाए आज सच आप जानवर को खिला दीजिए कुल मिलाकर ये होता है कि पूरा का पूरा दाना उसके पेट में चला जाएगा जैसे हमने कहा आपको कहा साढ़े पांच किलो देना तो साढ़े पांच किलो उसका पूरे पेट में चला गया जी। अब इसके बाद इसमें करते क्या है कि आजकल चूंकि जाड़ा चल रहा है तो जो हमारे जागरूक किसान भाई है वो करते क्या है कि उसमें कुछ तेल देते हैं गुड़ देते हैं तो तेल और गुड़ अलग न दे करके जो भी आपको देना है वो जो दाना आपने भिगोया है उसी दाने में पूरा मिक्स कर दीजिए और मिक्स करके जानवर को खिलाइए और ये प्रक्रिया जिस दिन अपनाना आप शुरू कर दें किसान भाई हमारे उस दिन इनका जो है दूध उत्पादन अपने आप बढ़ जाएगा बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को हम आशा करते हैं हमारे किसान भाई आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी से जरूर लाभान्वित होंगे आपने जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और किसान भाइयों देखिए डॉक्टर साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि संतुलित आहार के माध्यम से अपने दुधारू पशुओं का उत्पादन हम कैसे और बेहतर बना सकते हैं हम आशा करते हैं कि आप इन जानकारियों का उपयोग करेंगे अपने पशुओं के सुरक्षा के लिए खान पान के लिए जिससे आपका उत्पादन और भी बेहतर होगा खेती की जानकारी के बाद अब प्रस्तुत है मौसम समाचार भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान और उपग्रह से प्राप्त चित्रों के विश्लेषण के अनुसार 15 से 18 दिसंबर तक तापमान में गिरावट जारी रहेगी और धूप निकलने के बावजूद मौसम सर्द रहेगा इस सप्ताह लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में अधिकतम तापमान इक्कीस तथा न्यूनतम तापमान नौ से ग्यारह डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है पंद्रह दिसंबर को अधिकतम तापमान इक्कीस डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान ग्यारह डिग्री सेल्सियस रहा और दस किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली तथा आर्द्रता 40 प्रतिशत रही जबकि 16 दिसंबर को अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहेगा तथा चार किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी और आर्द्रता उनतालीस प्रतिशत रहेगी सत्रह दिसंबर को तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा तथा छह किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी और आर्द्रता चालीस प्रतिशत रहेगी इस प्रकार अठारह दिसंबर को अधिकतम तापमान इक्कीस डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान दस डिग्री सेल्सियस रहेगा तथा नौ किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी और आर्द्रता चौंतीस रहेगी पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में इस सप्ताह अधिकतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में इस दौरान ठंड बढ़ेगी और अधिकतम तापमान जहां 19 से 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा वहीं न्यूनतम तापमान गिरकर 3 से 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा यहाँ पंद्रह से अठारह दिसंबर के बीच चार से दस किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी तथा इस दौरान आर्द्रता तैतीस से छतीस रहेगी इस क्षेत्र में सत्रह दिसंबर सबसे ठंडा दिन होगा और न्यूनतम तापमान तीन और अधिकतम तापमान उन्नीस डिग्री सेल्सियस रहेगा इस दौरान पूरे प्रदेश में धूप तो दिखेगी लेकिन उसका असर नहीं रहेगा तो किसान भाइयों ये थे मौसम समाचार कुछ और नई जानकारियों के साथ शुक्रवार को हम फिर उपस्थित होंगे तब तक के लिए नमस्कार